दोस्तों, अगर आपके पास एक बहुत बड़े सोने वाले फ्रेंड्स हैं आपके, या फिर आप भी बहुत सोना पसंद करते हैं, वो भी म्यूजिक के साथ, मतलब आप चाहते हैं कि मैं सो जाऊं और मेरा फोन म्यूजिक अपने आप बंद करके ऑफ हो जाए, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं ऐसा ब्लर बैकग्राउंड अपनी वीडियो में, तो वो भी आपको ट्रिक मिलेगी। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। नाउ से और आप देख रहे हैं सिवा टिप्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर वन है स्लीप टाइमर, यानी कि आप बहुत बड़े आलसी हैं, आपकी आदत बन चुकी है कि म्यूजिक सुनने के साथ साथ ही मुझे नींद आएगी, और चाहते हैं कि आप फोन अपने आप से म्यूजिक बंद कर दे और फोन बंद हो जाए। इसके लिए आपको सिंपली स्लीप टाइमर ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद ओपन करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ऐसा इंटरफेस खुलेगा, और सिंपली आपको टाइम सेट कर देना है कि कितने देर बाद ये ऑटोमेटिक म्यूजिक को ऑफ कर दे। ठीक है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ 30 मिनट। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा, स्टार्ट एंड प्लेयर। लेकिन इससे पहले आपको जब नया ओपन करेंगे तो सेटिंग पे जाने के बाद प्लेयर टू लॉन्च पे क्लिक कर लेना है आपको, वो भी ऐप मतलब सेटिंग में जाके वो सेट कर देना है जिस पर आप म्यूजिक सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट एंड प्लेयर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, डायरेक्टली सॉन्ग चला दीजिएगा, और सॉन्ग चलाने के बाद ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, देखिएगा ऊपर नोटिफिकेशन भी आ रहा है। तो ऐसे करके आप अपना फ़ोन बंद कर सकते हैं, और बंद करने के साथ साथ अपना म्यूजिक चलने दीजिएगा और टाइम सेट कर दीजिएगा और सो जाइएगा। और हाँ, अपने आलसी फ्रेंड को जरूर इस वीडियो का लिंक शेयर करिएगा ताकि वो भी ऐसा कर पाए। ठीक है, नंबर टू बात कर रहा था मैं कि अपने अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर करना है ऐसे और वीडियो शूट करना, तो आपके पास कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन एक मैं बहुत पॉपुलर मेथड के बारे में बताना चाहूंगा। ब्लर वीडियो शूट करने के लिए आपको नॉर्मली अपने कैमरा में जाना है और पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर देना है। ठीक है, पोर्ट्रेट मोड पे जाने के बाद आप सामने खड़े होइएगा और डबल डबल टैप करके और यहाँ पर चूज कर लीजिएगा कि आपको फोकस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और सिंपली आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद आप उसको कट पीट करके मतलब क्रॉप करके आप वीडियो को सेट कर दीजिएगा। इस तरीके से आप ब्लर वीडियो एक शूट कर पाएंगे। नंबर थर्ड ट्रिक है, फोटो जब क्लिक करते हैं आप, तो उसको साफ कैसे लाएं, मतलब और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी कैसे दिखाएं, उसमें डिटेल्स कैसे दिखाएं। जब भी आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो जो भी मेन फोकस है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो उस पर मतलब डबल क्लिक कर दीजिएगा फोन की स्क्रीन पर, तो आपको एक सर्कल सा दिखेगा, उसको एक्सपोजर और लाइट्स वगैरह जो भी होंगे उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और वरना अगर नहीं करेंगे तब भी ऑटो फोकस कर देगा, और ऑटो फोकस होने के बाद आप देख सकते हैं कि डिटेल्स और साथ में ज़्यादा होगी फोटो में। नंबर फोर है कि देखिए भाई, इंडिया में हैं और बहुत सारे लोग हैं कि जिनको इंग्लिश नहीं आती, और फ़ोन चलाते चलाते आप अगर आप अटक गए हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में ही फ़ोन होगा। ठीक है, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि इसका हिंदी में मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए रियलमी के फ़ोन में तो ये है, और फ़ोन में होगा नहीं पता, लेकिन नहीं है तो क्या है, आपको प्ले स्टोर जिंदाबाद। देखिए, अगर आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर कहीं भी हैं, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है कि इंग्लिश में लिखा और इसमें हिंदी में क्या है, तो आपको सिंपली रियलमी के फ़ोन में तो ऐसे होता है, बाकी अदर फ़ोन में दूसरी तरीके से होगा, वरना आप अल्टरनेटिव ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसकी सेटिंग में आप ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसे स्लाइड बार को ऐसे करना है और इस पर देखना है स्क्रीन ट्रांसलेट ये लिखा हुआ है, क्लिक करूँगा मैं अभी, आप देखिएगा पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा। ये गूगल लेंस की मदद से होता है, नीचे आप देख पा रहे होंगे ऊपर भी लिखा आ रहा है, ये ऑटो डिटेक्ट करेगा टेक्स्ट को और ये कन्वर्ट कर देगा। देखिएगा अभी पूरा कन्वर्ट हो चुका है, और नीचे का स्लाइड भी करके देख सकता हूँ। ठीक है, नंबर फाइव है कि आपको एक बहुत ज़्यादा चैट भेजनी है किसी को, बहुत लंबी सारी चैट है और आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर भेजें। वैसे तो कई सारे तरीके हैं एक्सपोर्ट से चैट एक्सपोर्ट कर सकते हैं चैट किसी को, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट के थ्रू भेजें और आप नहीं चाहते कि बार बार अलग अलग स्क्रीनशॉट भेजना पड़े, तो आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हैं। देखिए, लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको पहले तो एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं 3 फिंगर से ले रहा हूँ। ठीक है, ले लिया, इसके बाद स्क्रॉल दिख रहा होगा, ये स्क्रॉल आपको दिख रहा है। ठीक है, ये अपने आप से स्क्रॉल करेगा और देखिएगा ये डन कर देगा, मतलब आप जैसे ही डन करेंगे ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट ले रहा है अभी। ठीक है, जैसे ही आप डन करेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट बंद हो जाएंगे, जैसे कि अभी स्क्रीन पूरी होगी, डन कर दे रहा हूँ मैं, और देखिएगा पूरा एक लंबा सा स्क्रीनशॉट हो गया है, अभी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, पूरा इतना लंबा स्क्रीनशॉट हो गया है, इससे भी ज़्यादा लंबा कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा मत करिएगा, पता लगे कि इसमें दिखे ही ना कुछ। तो कैसी लगी ये ट्रिक्स, ये 5 ट्रिक्स थी इस वीडियो में, और बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप इनमें से जानते भी होंगे, नहीं भी जानते, अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और अपने हाँ आलसी फ्रेंड को जरूर टैग करिएगा, मतलब टैग नहीं शेयर करिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।